फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना किसको पसंद नहीं है। फैमिली के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना खाना, हंसना, इन सब से जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी दुनिया से बढ़कर होती है। तो आज हम एक ऐसे ही खुशी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है संतोष का रहस्य। ये एक कहानी है। तो इस कहानी में राजू और संदीप नाम के लड़के एक दूसरे के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कहानी में क्या होता है। तो उससे पहले इस कहानी का संदेश ये है कि सुख और आनंद का आधार संपत्ति या आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि सहयोग और सहकार की भावना से आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, राजू और संदीप 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी थे। सहपाठी यानी कि दोनों क्लासमेट्स थे। सिर्फ क्लासमेट्स ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तो राजू नजदीक के रामनगर गांव से बैंगलोर की शाला में पढ़ने आता था। तो रोज राजू क्या करता था, अप एंड डाउन रामनगर से बैंगलोर ट्रैवल करता था। तो वहाँ बहुत मेहनत और हसमुख लड़का था। राजू बहुत ही हार्ड वर्किंग और एक अच्छा भी लड़का था, इसीलिए संदीप को राजू बहुत पसंद था। तो राजू अक्सर संदीप को अपने घर भी ले जाता था। तो एक दिन राजू ने संदीप को इनविटेशन दिया। क्यों दिया? क्योंकि राजू के घर में गणेशा फेस्टिवल मनाया जा रहा था, तो इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन वहां संदीप को इनविटेशन देता है। तो आगे की वीडियो में देखते हैं संदीप राजू के घर जाकर गणेश चतुर्थी कैसे मनाता है।